नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम आपका भाग्य बदले का। जी हां, और मेरे साथ में मौजूद है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो किस्मत के इशारे समझने वाले हमारे इस खास शो को, आपका भाग्य बदलेगा को, ये कहा जा सकता है कि आप काफी पसंद करते हैं। शायद यही वजह भी है कि हम रोज अलग अलग खास जानकारियां लेकर आपके साथ में आते हैं। उम्मीद है कि इस शो को देखने के बाद में आप भी उन इशारों को समझने में जरूर जुट गए होंगे जो कि किस्मत हमें लगातार देती रहती है। तो आइए इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम आपका भाग्य बदलेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये खास कार्यक्रम अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है। हर वो खास बात हम आपको बताएंगे जो कि आपका भाग्य बदल सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो जो नंबर्स अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको हमें कॉल करना होगा। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान आपको हमें बताना होगा, और इन खास जानकारियों के आधार पर गुरु जी आपको आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और अपनी समस्याओं के समाधान जानने के लिए कॉल कीजिए। और साथ ही साथ अब पेन और कॉपी भी तैयार रखिए, क्योंकि वो हर खास बात गुरुजी आपको बताने वाले हैं जो कि आपका और आपके परिवार का भाग्य बदल सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस स्पेशल टिप के साथ में जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं जो कि आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। गुरु जी, आज ऐसी क्या खास टिप आप हमारे दर्शकों को देने वाले हैं जिससे उनका भाग्य बदलेगा? बिल्कुल, आज का दिन बहुत प्रीतिकर भी है, सुंदर भी है, क्यों ना एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। अष्ट चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी, जी हाँ, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। तो चलिए आज एक सुंदर सा प्रयोग आपको बताते हैं। पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, जी हाँ, तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरा हुआ मिले, साफ सुथरा हो, उस पत्ते को उठा लीजिए, उस पर श्री राम लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे आप कुमकुम से या रौली से, और कुछ नहीं तो लाल पेन से ही लिख लीजिए श्री राम या सिया राम। और ये लिख करके थोड़ी सी मिठाई रख दें, दूध की बनी हुई तो बहुत ही अच्छा है, और हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें, और फिर प्रार्थना करें। एक छोटा सा मंत्र है कि वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। ऐसा बोल के जो मनोकामना है, जो इच्छा है, हनुमान जी से कह दीजिए, राम जी की कृपा से आपकी मनोकामना यदि है आपके लिए शुभ और है कल्याणकारी तो अवश्य पूर्ण होगी। तो बिल्कुल, पीपल के पत्ते को यदि आप कहीं पे गिरा हुआ पाते हैं तो उसके बाद में आज उसे आप कैसे अपने स्पेशल टिप में शामिल कर सकते हैं और कैसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, ये तो हमने गुरुजी से जान लिया है। तो इसी के साथ में आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अपना दिन सफल बना सकते हैं। आगे खास कार्यक्रम में और भी कई खास टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो कि आपके कार्य, आपका जो दिन है उसको और भी ज्यादा अच्छा और सफल बना सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के स्पेशल टिप। आप भी हर रात कोई ना कोई सपना जरूर देखते होंगे और इन सपनों में छुपा होता है किस्मत का इशारा। आइए सपनों के इशारे को भी आचार्य जी से हम समझते हैं जो कि हम रोजाना अलग अलग सपनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो गुरु जी, आज के सपने के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। जी हाँ, सपन भी अद्भुत है। जो कार्य हम दिन में सोचते हैं नहीं कर पाते, कभी कभी तो हम उनको भी देखते हैं, और कभी कभी तो परमात्मा की तरफ से इशारा होता है। हम उस इशारे की बात कर रहे हैं। तो कभी आपने देखा, जैसे आज रात शायद देखा हो आपने, कोई सुंदर सी स्त्री, परी जैसी, ऐसी देवी के क्या आज दर्शन हुए आपको? तो समझ लीजिए ये बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ प्रेम संबंधों में, जी हाँ, आपके ऊपर प्रेम की देवी की कृपा होने वाली है। ये संबंध बताते हैं कि हृदय में हो विश्वास और ऐसा स्वप्न आ जाए तो ये इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है।
अच्छा, क्या कभी गुलाब के फूलों का भी सपना देखा है, या कोई आपके गुलाब के फूल दे रहा हो तो समझ लीजिए आज कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। गुलाब के फूल भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, या आप किसी देवी देवता के दर्शन कर लें और वो आपको मात्र दर्शन दे। कहते हैं ना, दर्शन मात्रेन सिद्धिर भवति। तो इसका अर्थ भी ये है कि कोई मनोकामना या कोई ऐसा कष्ट जो आपको तंग कर रहा हो, कष्ट कोई तंग कर रहा हो तो वो दूर हो जाएगा, और मनोकामना अगर होगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल। तो सपनों के इशारे को भी समझिए। बात करेंगे कॉलर से। अब हमारे साथ में कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो रहे हैं। गुरु जी हमारे साथ में जो दर्शक जुड़ रही हैं, अनुप्रिया जी हमारे साथ में हैं, बिहार से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अनुप्रिया जी आपका। क्या है जन्म की तारीख बताइए। जन्म की तारीख है 15 जून 2000। जी जी। जन्म का समय क्या है। जन्म का समय 12:45। ये रात्रि का है या फिर दोपहर का। रात का है जी। और जन्म स्थल बताइए। जन्म स्थल बगहा, पश्चिमी चंपारण बगहा का है। बाघा, बिल्कुल। 15 जून 2000 की जन्म की तारीख है, 12:45 रात्रि का जन्म का समय है, और बाघा जन्म स्थान आप बता रही हैं। क्या पूछना चाहते हैं अनुप्रिया जी। जी आप अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाह रही हैं। जी मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी जॉब लगेगी कि या नहीं। जी गुरु जी, अपनी नौकरी की बड़ी चिंता है अनुप्रिया जी को। क्यों ना हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर लगता है जॉब भी मिल जानी चाहिए। देखिए आपकी जन्मपत्री हमारे सामने है, अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और जहाँ तक जन्म राशि की बात है, वृश्चिक राशि है, तो ये कद काठी भी 5 फुट 2 इंच या 1 इंच के लगभग बनती है। गोरा रंग, गोल चेहरा, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान की बड़ी दया है, बुद्धिमान है, सुंदर है, ज्ञानवान भी हैं आप। जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब तो लगने वाली है आने वाले 6 महीने के अंदर, तो ये आपको बधाई। सवेरे उठ के भगवान सूर्य को यदि दें जल और उसमें थोड़े से लाल मिर्ची के दाने भी, 22 बीज लाल मिर्च के डाल के सूर्य देव को करें अर्पण और कहें ओम सूर्याय नमः, तो होगी आपकी इच्छा पूर्ण। बिल्कुल। तो अनुप्रिया जी, जो गुरु जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को अपनाइए और जल्दी जल्दी आपकी नौकरी के भी योग बनेंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, जैसा कि उपाय भी बताए जा रहे हैं। बात करेंगे अगले दर्शक से, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके द्वारा लगातार हमें कई जानकारियां भेजी जाती रही हैं। व्हाट्सएप पर भी आपकी जन्म की तारीख, समय, स्थान, आपके सवाल हमें भेजे जाते रहे हैं, तो आपका भी इंतजार आज खत्म हो सकता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखें, क्योंकि हम लगातार अपने कुछ ऐसे खास कॉलर्स की जो समस्याएं हैं उनके समाधान आपको बताते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो आप भी हो सकते हैं, आपकी भी समस्या के समाधान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। और आज जो लोग हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं वो तो है ही। गुरु जी एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ रही हैं। साधना जी ने हमें फोन लगाया है, स्वागत है कार्यक्रम में साधना जी आपका। हाँ मैम जी। जन्म की तारीख बताइए। 15 जुलाई 2010। और हाँ। जन्म का समय बताएं क्या है। समय जी 2:40। ये कब का समय, दोपहर का या फिर रात्रि का। दोपहर, मतलब सुबह में दोपहर 2:40 हुआ है, रात में नहीं, दोपहर में। जी दोपहर में। अच्छा, और जन्म का स्थल क्या है, कहाँ जन्म हुआ है। बबुरा, गांव बबुरा। बबुआ, क्या जानना चाहती हैं, किसकी डिटेल से ये। उसी मेरे बच्चे का। जी अच्छा, क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में आप। मैम मेरा बच्चा चलता नहीं है। क्या नाम है उसका। उसका नाम है सुधांशु सिंह। जी गुरुजी, सुधांशु जी के बारे में जानना चाहती हैं, उनकी माता जी बहुत चिंतित हैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर। जी जी हाँ, मेरे सामने डिटेल आ गई है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पंचमी तिथि को आपके बच्चे का जन्म हुआ है, सिंह राशि है, थोड़े स्वभाव में क्रोधी हैं, गुस्से वाले हैं, और ये सही कहा कि उनके चलने में दिक्कत आ रही है। तो चलिए आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं, ये प्रयोग करिएगा। हनुमान जी से ज्यादा फास्ट मूवर, तेज चलने वाले कोई देव नहीं हुए, पवन की गति से भी तेज चलते हैं, तो क्यों ना एक काम करें, हनुमान अष्टक। जी हाँ, हनुमान अष्टक, उसके आखिर में लाइनें आती हैं, को नहीं जानत है जग में,
कपि संकट मोचन नामति हारो, हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर पंडित जी से कहें कि हमें चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाइए, उसमें सिंदूर वगैरह होता है और भी कुछ सामग्री होती है, तेल वगैरह, चमेली का तेल होता है, सुगंधित द्रव्य होते हैं, मिष्ठान होते हैं, चुन्नी वगैरह होती है। और वहां पर जब वो चढ़ा दें तो जो उनका उतरा हुआ हो सिंदूर, पैरों का सिंदूर, और खास करके जो पैर ऊपर को उठा हुआ है यानी जो फॉरवर्ड आगे जा रहा है वहां का सिंदूर ले लीजिए और बच्चे के माथे पे भी तिलक करिए और थोड़ा सा सिंदूर पैरों के तलवे में भी लगा दीजिए और उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़िए। और नहीं तो पहली चार लाइनें पढ़नी तो बहुत जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज जिन मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। ऐसा प्रार्थना करें, भगवत कृपा से लाभ होगा। और एक तेल होता है, उसमें तेल में आप लौंग वगैरह डाल लीजिए, सरसों का तेल भी हो सकता है, और उसकी मालिश करिए। डॉक्टरों से तो उपाय पूछिए ही, ये प्रयोग भी कर लीजिए, लाभ होगा। बिल्कुल, तो आप सुधांशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, जैसा कि गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप अपनाएं और जो चिकित्सीय परामर्श है उसको भी आप साथ में चालू रखें और साथ साथ ये जो उपाय उन्हें भी अपनाएंगे तो आपको जल्दी बिल्कुल असर होगा। गुरुजी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं राशि फल की, क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात गुरुजी मेष वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की करते हैं, जानते हैं क्या कहता है इनका आज का दिन। जी हाँ, राशि फल, ये फल शब्द बड़ा प्यारा है, कोई पेड़ लगाए और उसमें फल आ जाए तो कितना आनंद आता है। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। किसी शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में धन का होगा व्यय, तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अच्छी बात होने वाली है और कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के लिए भी मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और घर में अगर बेटा या बेटी है तो उसके लिए विवाह के दृष्टिकोण से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आज का दिन शुभ है। चलिए वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो यह समय बहुत अनमोल है, विपरीत राजयोग उनकी जन्मपत्री में है, अचानक भाग्य उदय होने के भी योग बन जाते हैं और पुराना कोई काम फंसा हुआ हो कोर्ट कचहरी में उसमें भी निर्णय पक्ष में आ सकते हैं और विदेशों के नए संपर्क आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से होंगे शुभ, पुराने मुकदमे में हो सकता है आपके पक्ष में आ जाए फैसला। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। वायु तत्व प्रधान है, द्विस्वभाव राशि है, ऐसे लोग वाक्पटुता से अपने कारोबार में नाम अर्जित करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कभी कभी अकेलापन भी तंग करता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और छोटी छोटी बातों पे दूसरों को सुधारने के लिए जब सलाह देते हैं तो पति पत्नी में भी हो जाते हैं थोड़े क्लेश, इसका हमें रखना होगा ध्यान। बिल्कुल, तो क्लेश से थोड़ा सा बचें और सामंजस्य बनाएं, दिन को सफल बनाएं, खुद का भी और अपनों का भी। तो हमारे साथ में गुरुजी एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं जी। देवघर से इन्होंने हमें फोन लगाया है, सूर्यभूषण इनका नाम है, स्वागत है कार्यक्रम में सूर्यभूषण जी आपका, डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख, समय, स्थान। जी गुरु जी प्रणाम, मैं सूर्यभूषण बोल रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जन्म की तारीख बताइए, नाम बताइए सूर्यभूषण जी, जन्म की तारीख। जी जन्म की, उसका नाम आदित्य भूषण, जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 2000। जी और टाइम है 9:55 PM रात में। जी और जन्म स्थल, जन्म स्थान है मुगलसराय। जी अब सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सर उसका सवाल ये है सर, बायोलॉजी में पढ़ रहा है मैडम, वो 12th में जी, उसका पढ़ने में बहुत ज्यादा लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ और आँख उसका आई का पावर जो है बढ़ता जा रहा है मेरा सर। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चिंतित हैं सूर्यभूषण जी गुरु जी। जी देखिए, जो डिटेल आपने हमें दी है, शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है बच्चे का, इनकी राशि जो है हमारे सामने कुंभ राशि आई है, तो जहां तक इनका पहला प्रश्न आपके स्वास्थ्य का है तो उसका हमें ये ध्यान रखना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सवेरे उठ के प्रातःकाल उठ के ओम सूर्याय नमः कहकर, जी हाँ, भगवान सूर्य को एक तो जल दें, पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि थोड़े मोर पंख घर में ले आएं, खास करके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख खड़े करके बाजार से मिल जाएं तो उन्हें रख दीजिए, उसका ऑरा ऐसा होता है जो कि
बुद्धि को तो तेज करता ही है, नेगेटिविटी जो होगी उसे सकब कर लेता है, उसके अंदर होता है खास करके कॉपर होता है मिला हुआ, तो भगवान कृष्ण भी अपने माथे पे लगाते थे। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी शनि के राहु के दुष्प्रभावों का भी ये शमन कर देता है छोटा सा प्रयोग। तो ये एक छोटा सा टिप्स आपको हमने दिया है, पढ़ाई के लिए चिंता ना करें, बहुत बुद्धिमान है ये और बहुत कामयाब होंगे। एक छोटा सा इनके लिए उपाय और कर दीजिए तो और भी फायदा होगा, अगर एक पन्ना रत्न 5.25 रत्ती का गले में लॉकेट के रूप में डाल दें या एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में डाल दीजिएगा, विशेष लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये तो सूर्यभूषण जी आपको आपकी समस्या का समाधान बताया। गुरु जी अब बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों की, यानी कि बात कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की करते हैं, क्या कहता है इनका आज का दिन। जी जरूर, कर्क राशि और स्वामी इनके चंद्रमा, और सबसे अच्छी बात यह है कि नई गाड़ी लेने के योग बन रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर वगैरह का ध्यान रखिएगा, ज्यादा तनाव और गुस्से से बचना चाहिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, कोई बात कह दे तो लग जाती दिल को, मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे कंट्रोल करिए। और संतान के खर्चों के बारे में भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है और व्यर्थ का वाद विवाद, बच्चा चाहता है मैं ये सब्जेक्ट लूं, आप कहते हैं नहीं ये लीजिए, इस विवाद में भी टेंशन बहुत तंग करने लगती है। अगली राशि सिंह, सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, अग्नि तत्व प्रधान ये राशि है, और आज का दिन जहां तक आपकी बात करें तो ये समझ लीजिए कि आज एक विशेष दिन है, अपने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और खास करके बॉस के साथ कुछ ये ध्यान रखना है, अगर वो कुछ कहें तो सुने ज्यादा बोले कम, यात्रा के बन रहे हैं योग। अगली राशि कन्या, कन्या राशि की अगर बात करें द्विस्वभाव राशि, स्वामी इसके बुध हैं, बुद्धि के विधाता वाले, ये बड़ी ब्रेन ओरिएंटेड धैर्यवान राशि है, किसी मित्र से कोई सलाह मिल सकती है और उससे धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खाने पीने के मामले में विशेष रूप से थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान आपके लिए अच्छा, घूमने फिरने के बन रहे हैं योग लेकिन लापरवाही से बचना होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों की। गुरु जी हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और एक और दर्शक हमारे साथ में हैं चंपारण से, हमें साजिद हुसैन साहब ने कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में साजिद जी आपका, डिटेल्स बताइए जन्म की तारीख क्या है। गुरु जी नमस्कार, आशीर्वाद, खुश रहे। मैं साजिद के पापा बोल रहा हूँ जी, जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/30/1995 जनवरी 30। अच्छा ठीक है, 1995 11:02 11:02। जन्म का स्थल क्या है? बेतिया जी। टाइम पूछ लीजिए, 11:02 जन्म का समय है ना साजिद जी? जी जी जी। और जन्म का स्थल क्या है? 30/1/1995 जी जी। कहाँ जन्म हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ है? बेतिया, बेतिया, BETTIAH बेतिया जी। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछें? मैं सर उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लस टू कर लिया है, आगे किस तरफ जाएगा, और थोड़ा उसके उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था उसमें ये है, उसके लिए क्या होगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये जन्म पत्री तैयार है, श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म है। और जहां तक बच्चे की एजुकेशन का सवाल है, इनकी मकर राशि है कैप्रिकॉर्न इस राशि को कहते हैं, तो मैं इसके लिए आपको 2-3 छोटी छोटी राय देता हूं। सबसे पहले पापा के लिए एक राय, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, एक लौकी ले लीजिए, जी हाँ आप खुद ले लीजिए, अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और घुमाने के बाद किसी भी बहते हुए पानी में बहा दीजिए, पर ये ध्यान रखिए पानी आपसे दूर जा रहा हो, आपकी तरफ ना आ रहा हो, ताकि जो कष्ट और बीमारी है आगे ना हो, एक बात तो ये। दूसरा, कोई काले घोड़े की नाल का छल्ला अपने दाहिने हाथ की बीच की उंगली में शनिवार वाले दिन पहन लेने से बच्चे की पढ़ाई तो अच्छी होगी, उसकी आगे का जो समय है बहुत अच्छा है, चिंता ना करिए और आपको भी लाभ पहुंचेगा।
बिल्कुल, तो क्या उपाय हैं, इन उपायों को अपनाएं साजिद जी, और बिल्कुल चिंता छोड़िए, जरूर आपको इसका फायदा होगा। गुरु जी, हम तमाम खास बातें तो जान रहे हैं, अब वक्त हो गया ये जानने का भी कि आज का कौन सा शुभ मुहूर्त है और ऐसा कौन सा वक्त है जिससे हमारे दर्शकों को बचना चाहिए, यानी कि बात कर रहे हैं पंचांग की, क्या कहता है आज का पंचांग? बहुत उत्तम बात है, मुहूर्त जो है वो तो जीवन की जीने की दिशा है। हम ऐसा काम ऐसे शुभ समय में करें, सूर्य निकले हुए हों तो उन्हें प्रणाम करें, इसी को तो मुहूर्त कहते हैं, उनका यश भी उनका ऐश्वर्य भी हमको मिले। चलिए आज के मुहूर्त की और पंचांग की करते हैं बात। आज दशमी तिथि शीघ्र ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद एकादशी तिथि, और एकादशी तिथि जो है विश्वदेव को, विश्व देवा को अर्पित की थी भगवान सूर्य ने, यानी हर प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली ये है तिथि। और इसी के साथ साथ बुधवार का दिन, और बुधवार देते हैं भगवान बुद्ध और भगवान नारायण के आशीर्वाद, ओम नमो नारायण। अगर इसी मंत्र का करेंगे जाप और थोड़ा सा चरणामृत पी लें और उसमें हो तुलसी का पत्ता, तो किसी भी प्रकार के वात पित्त कफ के दोष हों वो भी दूर होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ धनिष्ठा नक्षत्र शुभ योग। धनिष्ठा नक्षत्र ये कहते हैं व्यापार के अंदर यदि आज पूरी मेहनत के साथ जुड़ेंगे, कहीं रुपए उधार दे रखे हैं वो मांगेंगे तो धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। और एक और कीमती बात, पंचक भी तो आज से शुरू हो रहे हैं, तो उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहु काल की बात कर लेते हैं। देखिए राहु काल बड़ा अद्भुत काल है, अक्सर लोग इससे भयभीत होते हैं, मैं कहता हूं ये समय रिसर्च करने का है। राहु यदि रूप बदल कर अमृत पी सकते हैं तो वो हमें भी एक संकेत देते हैं कि जो भी सीबीआई सीआईडी के काम करने वाले हैं या जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है रिसर्च करनी है, ये उन्हीं का तो काल है। तो ठीक आज के दिन विशेष रूप से 12 बजे से लेके 1:30 का ये समय है, याद करना है नवान मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे या ओम चामुंडाए नमः, यही बोल दीजिए, राहु की असीम कृपा मिलने लगती है, क्योंकि राहु भी नव देवों में से एक देव है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की, इसीलिए समय को ध्यान में रखें और उस समय के अनुसार यदि काम करेंगे तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। अब गुरु जी बात कर लेते हैं अगली तीन राशियों की, यानी कि बात तुला वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्राचार्य हैं, नाप तोल के बोलने की प्रतिभा तो आपसे ही मिलती है, योग की बात हो अध्यात्म की बात हो, इस क्षेत्र में मान सम्मान मिलने के भरपूर योग बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ विवाह या शादी इत्यादि मांगलिक कार्यों में भी समय भरपूर गुजरने वाला है। थोड़ी अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिए, उनके भी थोड़े चरण दबा के आशीर्वाद लेते रहिए, बहुत शुभ बात है ये। वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं, स्वामी हैं मंगल, ऐसे व्यक्ति थोड़े से बलिष्ठ और जिम वगैरह के पसंद करने वाले होते हैं, दोस्तों के बीच में अच्छी लोकप्रियता होगी क्रिकेट के क्षेत्र में, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद है। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी नई जॉब मिल सकती है, कुछ नए आउटलेट भी आप खुलवा सकते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ नए संपर्क जिससे विदेश जाने के बनेंगे योग, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है प्यारा संयोग। अगली राशि शुरू कर लेते हैं धनु, और इसके आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, कोई पुराना काम जो अधूरा है वो पूरा हो सकता है, और आपकी अपनी वाणी पे रखना है संयम, बच्चों के साथ जरा समझाएं कि तेज ड्राइविंग ना करें अन्यथा परेशानी हो सकती है, और जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखें कि कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि बात खराब हो, लेकिन समय अनुकूल है और उसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, तो तुला वृश्चिक धनु राशि के जातकों आज अपना दिन का ध्यान रखें और ऐसे ही दिन की शुरुआत करें तो भाग्य जरूर बदलेगा। गुरु जी दर्शक लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और अब जो हमारे साथ में है वो पुनिया से हैं, पुनिया से हमें संजय कुमार जी ने फोन लगाया है, स्वागत है कार्यक्रम में संजय जी आपका, डिटेल्स बताएं क्या है जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 28 मई जी 2003 28 मई 2003 जन्म का समय बताएं? 4:22 ये कब का समय है, सुबह का या फिर रात्रि का? दोपहर का जी, शाम का? शाम का 4:22 जी। और जन्म स्थल क्या है संजय जी?
बिहार पूर्णिया, पूर्णिया PURNIA। जी जी, पूर्णिया का जन का स्थल है। क्या जानना चाहते हैं आप? इसके एजुकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये नाइन्थ में चल गया है जी, नाइन्थ में क्या लेना चाहिए इसको आगे जाकर के, ये जी पढ़ने में कैसा होगा? जी बिल्कुल गुरुजी, 28 मई 2003 जी जन्मपत्री बिल्कुल तैयार है। अश्वनी नक्षत्र यानी गंडमूल के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है, और अश्वनी नक्षत्र का मतलब यह है अश्वनी भरणी कृतिका में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मेष राशि होती है। बच्चा सुंदर है, स्मार्ट है, फास्ट मूवर है, खेल का बहुत शौकीन है। और आपने पूछा है क्या बात है, इनकी जन्मपत्री तो बहुत ही प्यारी है। गुरु दशम भाव में है, और ऐसे गुरु जो दशम भाव में हो वो तो राजयोग कारक हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो कर्क राशि के गुरु हैं, तो ये हंस नामक योग आपकी जन्मपत्री में बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि चंद्रमा से जब बिल्कुल सामने हो, केंद्र में हो, तो ये गजकेसरी योग भी बना हुआ है। चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, इनके निमित्त जो हमें कहना है आपको, ओपल रत्न ये ले सकते हैं, 5.25 कैरेट का, इसे गले में पहन सकते हैं। या एक रुद्राक्ष बताते हैं आपको, 12 मुखी द्वादश मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य को अर्पित है, ये अपने कंठ में धारण कर लें और गायत्री मंत्र रोज बोल लें, तो इनके एजुकेशन की फील्ड में बहुत फायदा होगा और आगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो संजय जी आप भी अपने बेटे की करियर की चिंता बिल्कुल ना करें और आपके बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। गुरु जी, हमारे साथ में एक और दर्शक हैं, मुरैना से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुरैना से गिरिजा जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में गिरिजा जी आपका। डिटेल्स बताएं, क्या है जन्म की तारीख? गिरिजा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है गिरिजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन गुरु जी उन्होंने हमें डिटेल्स जो अपनी दी हुई हैं, उन डिटेल्स के अनुसार अगर हम देखें तो 3 जुलाई 1991 का जन्म की तारीख है, शाम 6:55 का जन्म का इनका समय है, और जो जन्म स्थल है वो है मुरैना। और समय आपने बताया? शाम 6:55 का गुरु जी, 6:55 और मुरैना जी। ये अपने नौकरी से संबंधित जानना चाहते हैं सवाल, और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब कब मिलेगी और इनका भविष्य कैसा रहेगा जी। देखिए, जन्मपत्री हमारे सामने है, तो ये एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, और आपकी जो राशि बनती है वो कुंभ राशि है। तो आपका प्रश्न है कि जॉब से संबंधित है, तो जॉब के लिए हमें आपको इतना कहना है कि थोड़ा सा आपकी जन्मपत्री में कुछ प्रवाह इस प्रकार के हैं कि शुक्र का नवम भाव में होना और चंद्रमा का उससे दृष्टि संबंध बन जाना, तो मुझे ऐसा लगता है, चिंता करने की बात नहीं, थोड़ी आंशिक कालसर पितृदोष सा दिखाई देता है, तो इसका कुछ उपाय करते रहिएगा। देवी माँ की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से ये कष्ट दूर होते हैं, या हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग झंडा लगा देने से ये एक अलग से शक्ति और समर्थ प्राप्त होती है। जो भी जन्मपत्री के नेगेटिव प्रभाव होते हैं वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। एक तो आपको विनम्र होना है, और दूसरा पढ़ाई के दृष्टिकोण से आपको एक सलाह देते हैं, प्रातःकाल उठ के, जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए धोएं, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र बहुत अच्छा है, अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, और यदि अकाउंट्स का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग की कोई लाइन हो, ये सारी लाइनें आपके लिए शुभ हैं। समय भी अनुकूल होगा और आपको फायदा भी मिलेगा, सिर्फ 3-4 महीने के बाद आपको विशेष लाभ होंगे। बिल्कुल, तो गिरिजा जी आपको जो खास बातें बताई हैं उन खास बातों का ध्यान रखिए, भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है, गुरु जी ने तो बता ही दिया है। अब गुरु जी ये भी बता दीजिए कि हमारी जो अंतिम 3 राशियां हैं यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है, वो भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। जरूर, शुरुआत करते हैं मकर राशि, जिनके स्वामी हैं सूर्य पुत्र शनि देव, और आपके लिए तो इतना ही कहना है कि प्रातःकाल उठें और उठ के अपने माता पिता के चरण को छुएं, क्योंकि दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से कर लेनी चाहिए। एक कोई पुष्प, जी हाँ, गुलदस्ता वगैरह, अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो अपने सामने प्लास्टिक के फूल हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से बहुत परेशानियां होती हैं। और आज किसी मित्र से होने वाली है मुलाकात, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ
विशेष जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। कुंभ राशि, जिसके स्वामी हैं सूर्य पुत्र शनि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, तो आज का दिन बहुत शुभ है। हो सकता है कोई गाड़ी वगैरह लेने का योग बना रहे हो। और इसी के साथ साथ यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से आपको बचना है। आज का दिन बहुत मायनों में आपके लिए अच्छा है। जमानत वगैरह तो आप किसी की भूल के भी ना ले। और एक बात और भी है, कोई फाइल गुम हो गई हो पुरानी जो नहीं मिलने वाली हो, वो मिलने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए शुभ। और अंतिम राशि ले लेते हैं, उसे कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि की जहां तक हम बात करते हैं, ये एक बहुत प्रीतिकर राशि है, जैसे अभी हमने आपको बताया। और बारहवीं राशि, जी हाँ, जिसे मीन राशि कहते हैं, उसके आचार्य देवाचार्य बृहस्पति हैं। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के विवाह की यद्यपि चिंता सता रही है, लेकिन कोई विशेष आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। कर्ज वगैरह तो बिल्कुल भी ना लीजिए। और प्रॉपर्टी में धन का निवेश आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई वाद विवाद व्यर्थ में हो सकता है, दूसरों की आलोचना से बचें तो होगा आपको विशेष लाभ। अब बात कर लेते हैं इष्टदेव की, यानी कि वो देवता जिनके पास हमारी सारी जानकारियां, हमारी किस्मत की चाबी है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 10 राशि की, यानी कि मकर राशि की। तो गुरुजी, कौन है मकर राशि के इष्टदेव? बहुत प्रीतिकर बात है, इष्टदेव जो बनाते हैं हमारे सारे बिगड़े हुए काम। तो आज मकर राशि की चर्चा करते हैं। जी हाँ, मकर राशि जिनके इष्ट देव हैं स्वयं शूलपाणी शिव, भगवान शिव। और आज का दुर्लभ मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। और यदि आप बेल पत्र के ऊपर, पहले ऊपर लिखे ओम, लेफ्ट के पत्ते पे लिखे नमः और तीसरे पे लिखे शिवाय, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, थोड़ा गंगा जल भी चढ़ा दीजिए, मनोकामना तो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ये दुर्लभ सा उपाय आपके लिए। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई इष्ट देव की, जो कि बनाएंगे आपके काम। लेकिन इसके साथ ही साथ अब हम किस्मत जगाने के लिए एक खास टिप भी आपको बताने वाले हैं गुरुजी से जानकर। गुरुजी, क्या है आज का वास्तु तथा सूचक? बहुत प्रीतिकर बात है, जहाँ रहें सुख से रहें, आनंद से रहें, दीर्घायु हो, यश कीर्ति की हमें प्राप्ति हो। देखा होगा ना घर में कभी कभी, और अक्सर मकड़ी के जाले हो जाते हैं, परवाही नहीं करते, पर बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं ये, इनको तो फौरन हटा देना चाहिए। शनि का दिन हो तो और भी अच्छा होता है। और कभी कभी दरवाजा आपने देखा होगा खोला और उसमें आवाज आती है, सरसों का तेल डाल दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत नेगेटिव आवाजें हैं। नैऋति कोण की जो देवी हैं, नैऋति, वहां से जो दुष्प्रभाव घर में प्रवेश करते हैं, हो जाते हैं शांत, स्वभाव भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बिल्कुल, तो ये है वास्तु तथा टिप। और आप भी अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान और इन खास टिप्स का भी रखें ध्यान। गुरु जी, अब हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमें अपनी डिटेल्स भेजी हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं। और 20 अक्टूबर 1994 का इनका जन्म का की तारीख है, 2:30 रात्रि दोपहर का इनका जन्म का समय है और फैजाबाद जन्म का स्थल। और ये जो है, ये अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या किया जाए? देखिए, सूर्य में शनि की अंतरदशा चल रही है और बेटा गढ़बोल नक्षत्रों में अश्वनी नक्षत्र में उत्पन्न है। बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत तेजस्वी भी हैं, इनको प्यार से समझाइएगा। हनुमान चालीसा रोज पढ़ने को दे दीजिएगा, और नहीं तो आप घर में चला ही दीजिएगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहिएगा, बीपी हाई आपका नहीं होना चाहिए। बेटे को समझाते समझाते कहीं आप ही बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए आप अपना भी ध्यान रखें, थोड़ा योग प्राणायाम करते रहें, ये आपके लिए अच्छा है। बच्चे के लिए एक छोटा सा टिप दे देते हैं, उसकी जो किताबें हैं उसमें मोर का पंख, हर किताब में मोर का पंख रख दीजिए और प्रार्थना करिए भगवान श्री कृष्ण से कि इनकी बुद्धि को ठीक कर दो ना, करके देखिए लाभ होगा। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश जी, श्री कृष्ण से आप प्रार्थना करें, हनुमान जी की चालीसा जो है वो अगर बेटे से कराएंगे तो उसका भी भविष्य जरूर उज्जवल होगा। और हमें पूरी उम्मीद है जो आज खास बातें हमने जानी है, गुरु जी ने आपको बताई है, उससे आपका भाग्य जरूर बदलेगा। गुरु जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम आपका भाग्य बदलेगा में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।